हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। आई वेलकम यू टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स। आज स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सुपर कोचिंग्स टेक्स्ट बुक के। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, जो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि या आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ लें या आप ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी पढ़ लें। अब देखिए, जो असर ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक डेफिनेशन है, एक थ्योरी है। जो असर वर्ल्ड के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का होता है, वही सेम असर इंडियन सोसाइटी पे भी देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप भारत के परिप्रेक्ष्य में भी, भारत के संदर्भ में भी आप ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता, जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए। तो आज का जो टॉपिक है, वो क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस टॉपिक, जिनके पास इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा मैटर होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा से मुझे ये कह रहे थे, बार बार मैसेजेस भेजते थे कि सर ग्लोबलाइजेशन टॉपिक जो है वो कवर करा दीजिए। तो आप लोगों की भारी डिमांड पे मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं। तो यहाँ पर व्यूअर्स की संख्या जो होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, और लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो बहुत कम लोगों ने लाइक किया है। लाइक करने में आप लोग हमेशा कंजूसी दिखा देते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो बढ़ाइए, शेयर कर दीजिए लेक्चर को। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर का लिंक नहीं मिला है। ठीक है, छोटा सा एक टेक्निकल इशू हो जाने के कारण आजकल थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, तो प्लीज जरा जल्दी से शेयर कर दीजिए, आगे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर दीजिए इस लिंक को। क्योंकि जब तक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट सही नहीं आ जाएंगे, क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से क्लास में आ जाइए सब लोग। वेरी गुड। चलिए, तो लगभग मैंने शेयर कर दिया है सब लोगों को। चलिए, तो एक बहुत सुनहरा अवसर आप लोगों को अभी मिला था, और वो क्या अवसर था आप लोगों के लिए? वो अवसर था जो 15 अगस्त तक आपको डिस्काउंट मिल रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग जो है उसको, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए हैं। तो आप लोगों के लिए खास तौर से ये जो ऑफर है, इसे बढ़ा दिया गया है। ध्यान दीजिए, बात को अच्छी तरह से सुन लीजिए। जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, ठीक, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया कि सर उस ऑफर का हमें फायदा नहीं मिल पाया, तो विशेष रिक्वेस्ट पर, फैकल्टीज की विशेष रिक्वेस्ट पर कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह गए जिनको कि उसका जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, तो आप लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो रह गए उस फायदे को उठाने से, उस डिस्काउंट को लेने से, तो उनके लिए हमने जो है बढ़ा दिया है उसकी अवधि डिस्काउंट की। तो आप डिस्काउंट को अभी भी अवेल कर सकते हैं, आज लास्ट डे रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाता है ना, उस लिंक पर आप डायरेक्टली जा करके आप उस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। तो जो आजादी का जश्न मनाया जा रहा था 12 से 15 तक, उसको केवल आपके लिए एक दिन के लिए आपको और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। 6314 रुपीज में आप आज भी यानी 16 अगस्त को भी आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ठीक, जो कमेंट बॉक्स होता है उसी के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, ठीक, जहां पे लिखा होता है मोर। आप देखिए, टाइटल लिखा हुआ है JRF फाउंडेशन दिसंबर 2023, ठीक, वहां पे आप देखिएगा मोर लिखा हुआ है, उस मोर पे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको वहां पे लिंक मिल जाता है। ठीक, वो एनरोलमेंट लिंक है, वहां पे आप मनोज कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जो कोड आपको दिख रहा है ना यहां, इस कोड को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप क्लास को एनरोल करना चाहते हो तो फिर आप कर लीजिएगा,
ठीक आप ही लोगों के लिए ये जो डिस्काउंट है उसका दिन एक दिन और बढ़ा दिया गया है। चलिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण होता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ही बताना है। और जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दो यार। सेशन को बहुत मेहनत लगती है, सेशन को लाने में छुट्टियां बर्बाद कर देते हैं हम लोग। सैटरडे संडे पूरा खत्म हो जाता है और छुट्टी 15 अगस्त था कल, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस अरेंज की थी, रिकॉर्डिंग दिया, फिर उसके बाद ये मैटर तैयार किया, और भी बहुत सारे मैटर तैयार किए, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो तैयार किए। तो एक लाइक तो बनता है इस मेहनत को, और ये जो हमारी मेहनत होती है ये आप लोगों को आपके लक्ष्य पे पहुंचाती है ना। तो हम जो पसीना बहाते हैं गर्मी में भी आप लोगों के लिए इतना काम करते हैं, ठीक। और देखे देखिए हमारी जो टी शर्ट होती है, आज तो मैं हालांकि चेंज किए मैंने टी शर्ट, नहीं तो यहाँ पे पूरे व्हाइट व्हाइट निशान बन जाते हैं, ठीक। तो उस पसीने की कीमत आप लोगों की लाइक से हमें पता चलती है। चलिए, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो मुझे काफी कम लोगों के जो कमेंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों ने छुट्टी में मूवीज देखी, लेकिन हम लोग छुट्टी में भी आप लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है कनेक्शन, याद रखिएगा। कनेक्शन का ही दूसरा नाम ग्लोबलाइजेशन है, कनेक्शन विद द वर्ल्ड। जब आप बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को, संपर्क, बाहरी दुनिया मतलब ये नहीं कि एलियन से कनेक्शन हो गया, बाहरी दुनिया का मतलब अपने देश से दूसरे देशों का जो फ्री कनेक्शन है उसी को, जो इंटरकनेक्शन है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो इंटरकनेक्शन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब इसको अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, डेफिनेशन दी है, वो सारी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। हाइपर ग्लोबलाइजेशन किसने दिया है ये भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ग्लोबल विलेज आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन ग्लोबल सिटी किसने दिया है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है, एक बार शुरू हो गया खत्म नहीं होता है, हमेशा चलते रहने वाला। तो वैश्वीकरण एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कनेक्ट कर दिया हो गया, एक बार आपने कनेक्ट कर दिया ये प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती है, फिर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, सतत रूप से चलते रहने वाली प्रक्रिया है ग्लोबलाइजेशन, याद रखिएगा। वैश्वीकरण, इट इन्वॉल्व इंटरकनेक्टेड चेंजेस। देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि क्या है ये कनेक्शन है, इट इज अ इंटरकनेक्टेड चेंज। आप जब किसी के साथ कनेक्शन में आते हैं तो आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि शादी के बाद इंसान ज्यादा जवाबदेह हो जाता है, ज्यादा जवाबदारी आ जाती है, काम करने लग जाता है, जॉब करने लग जाता है, नौकरी, बिगड़ा हुआ लड़का भी सुधर जाता है, उसमें भी इकोनॉमिक चेंजेस आ जाते हैं, कल्चरल चेंजेस आ जाते हैं, सोशल चेंजेस आ जाते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस आ जाते हैं एक व्यक्ति में मात्र शादी होने के कारण। तो आप सोच लीजिए जब दो देशों का संबंध जब जुड़ जाता है तो कितने भारी चेंजेस आते होंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक। चलिए, एज अ प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स एवर इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन, एवर इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन। आप जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, और ये जुड़ाव जो है वो सबके साथ होता है, समझ गए? जैसे
इंडिया में 1992 के बाद जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई, उसके पहले इंडिया जो था एक स्फीयर में बाउंडेड था कि भैया हम ही हैं और अपने आप में ही रहेंगे, अपने गांव से अपने शहर को अपने आप को जोड़ेंगे लेकिन पूरी दुनिया के साथ नहीं जोड़ेंगे, ये हमारा वादा था अपने आप से। लेकिन 1992 के बाद कुछ चीजों को चेंज किया गया। हमारे प्रधानमंत्री उस समय के जो रहे नरसिम्हा राव जी ने कुछ स्टेप लिया जिसको अपन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारी पॉलिसीज को लिबरल बनाई और दूसरे देशों के साथ भी संपर्क साधा, इंटीग्रेट किया अपने आप को दूसरे, मतलब लार्जर इकोनॉमीज के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इट इज द एवर इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन 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 ऑफ दीज एस्पेक्ट बिटवीन नेशंस, बिटवीन रीजन्स, बिटवीन कम्युनिटीज एंड इवन सीमिंगली आइसोलेटेड प्लेसेस। आज हिमाचल प्रदेश के किसी छोटी सी जगह पर गांव में लैंडस्लाइड होता है, पूरी दुनिया में खबर पहुंच जाती है, पूरी दुनिया की तरफ से लोग मदद करने लग जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम आज की डेट में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से इंटरकनेक्टेड हैं। विश्व के किसी क्षेत्र में कुछ होता है, बाढ़ आती है, इंडिया जो है वो मदद पहुंचाने लग जाता है कि नहीं? जिससे जो मदद बनती है वो अपनी उस तरह, उस प्रकार की मदद जो है वो करने लग जाता है। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटीग्रेशन। अगर मान लीजिए हम आइसोलेशन में रहें तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ इनका, ठीक? तो एक तरह का जुड़ाव जो है, एक तरह का संपर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का। द इंटरकनेक्शन एंड द इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। समाजशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण क्या है? सबसे पहली बात, एक सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जिसके द्वारा आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से आपके अंदर परिवर्तन आता है, आपके देश के अंदर, आपके समाज के अंदर परिवर्तन आ जाता है। आज हम मोमोज खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, ये सब ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के कारण संभव हो पाया है। नहीं तो हम सिर्फ अपने समोसे और जलेबी और पोहे तक ही अटके रह जाते, पिज्जा हम तक पहुंच ही नहीं पाता अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो। बात समझ में आ गई? आज जो आप इंटरकॉन्टिनेंटल फूड खा रहे हैं इतने चाव से, वो आम आदमी तक इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि हम कनेक्टेड हैं पूरे वर्ल्ड के साथ, ठीक? तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया के रूप में राष्ट्र, क्षेत्र, समुदायों और यहां तक कि अलग थलग पड़े स्थानों के बीच लगातार बढ़ता एकीकरण है। लगातार एकीकरण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में आप किसी भी जगह पे चले जाइए, आपको जरूर कोई ना कोई फॉरेन टूरिस्ट मिल जाएगा। आप उससे पूछेंगे कि कहां से हैं तो बताएगा कि मैं जर्मनी से हूं, फ्रांस से हूं, डेनमार्क से हूं, जापान से हूं, चाइना से हूं। अभी एक बार की मैं आपको बात बताता हूं, मैं दिल्ली में घूम रहा था तो चाइनीज जो थे, चाइनीज दो कपल थे, और कपल नहीं थे वो, लग रहे थे कि जैसे कपल हूं लेकिन वो सेक्रेटरी और बॉस थे, और वो वाटर प्यूरिफायर बेच रहे थे। तो मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि उन्होंने कुछ ऐसे करके कहा, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमने ही बोला हाँ नमस्ते नमस्ते। फिर वो पास में आए, उन्होंने बोला कि यूज यूज, मैंने बोला यस यस वी यूज वाटर प्यूरिफायर का। उन्होंने फोटो दिखाया और उनको ज्यादा इंग्लिश इंग्लिश भी नहीं आती थी तो वो बोला यूज यूज, मैंने बोला यस आई यूज। तो फिर उसने बोला कि विच, तो मैं बोला कि आई यूज लिव प्योर। कहता है दिस दिस माय, मैं समझ गया कि वो बोल रहा है कि दिस इज माय कंपनी एंड यूज दिस वन। तो मैंने बोला कि ओके ओके आई विल ट्राई, आई विल परचेज दिस, ठीक? तो इस तरह से मतलब लोग एक दूसरे से कनेक्शन, मतलब कहां चाइना से वो खुद अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए और प्रमोट करने के लिए आ गया और मुझे पकड़ करके रास्ते में मुझे बोलने लगा कि डू यू यूज दिस, मैंने बोला यस।
तो ये जो संपर्क की जो प्रक्रिया है, हर तरह का, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल पे ट्रेड करना हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे कल्चरल लेवल पे एक दूसरे का फूड शेयर करना हो, सोशल लेवल पे लोगों का आवाजाही, और पॉलिटिकल लेवल पे जो सोसाइटी आज लिबरल आप देख रहे हैं, करप्शन जो कम होता हुआ देख रहे हैं या बढ़ता हुआ देख रहे हैं, दोनों ही जो चीजें हैं वो ग्लोबलाइजेशन से हुई हैं। ठीक है, ठीक चलिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई लोग ग्लोबलाइजेशन का सिनोनिम, पर्यायवाची कैपिटलिज्म भी मानते हैं। वो कहते हैं कि वैश्वीकरण जो प्रक्रिया है वो पूंजीवाद ही है, पूंजीवाद को ही बढ़ाया जा रहा है वैश्वीकरण के जरिए। जो कंट्री पूंजीवाद नहीं है वहां पे ग्लोबलाइजेशन का उतना फायदा नहीं मिल पाता है। तो पूंजीवाद जो है वो कल्चरली भी पहुंच रही है, ठीक। तो इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म को प्रमोट करना ही वैश्वीकरण है, पूंजीवादी के विस्तार को ही हम क्या मानते हैं, वैश्वीकरण मानते हैं। कल्चरली इट रिफर्स टू ग्लोबल स्प्रेड ऑफ एंड इंटीग्रेशन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर एंड वेज ऑफ लाइफ। सांस्कृतिक रूप से क्या है ये हमारे विचारों का प्रवाह, विचारों, मूल्यों, मानदंडों, व्यवहार, जीवन के तरीकों के वैश्विक प्रसार और एकीकरण को संदर्भित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, थियोडोर लेविट, ऐसा माना जाता है कि थियोडोर लेविट ने सबसे पहली बार इसे प्रमोट किया, ठीक। इज ऑफन क्रेडिटेड विथ पॉपुलराइजिंग द टर्म, ठीक। सबसे पहली बार किसने पॉपुलराइज करने का काम किया है इस टर्म को, ब्रिंगिंग इन टू द मेन स्ट्रीम बिजनेस इन द लेटर मिडिल ऑफ 1980s, लेटर और मिडिल ऑफ 1980s के समय इन्होंने ही थियोडोर लेविट का नाम ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने इतना प्रचार किया ग्लोबलाइजेशन का, इतनी पॉपुलराइजेशन दिलाई, वो थे थियोडोर लेविट। थियोडोर लेविट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कब, 1980 के दशक में, व्यावसायिक टर्म में, व्यावसायिक संदर्भ में इन्होंने ग्लोबलाइजेशन टर्म जो है वो इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट जो है सन 2000 में आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ग्लोबलाइजेशन के चार एस्पेक्ट बताए कि वैश्वीकरण चार बेसिक एस्पेक्ट पे हो रहा है। 2000 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने परिभाषित किया वैश्वीकरण के चार बुनियादी पहलू होते हैं, इन्होंने ये बताया। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है ट्रेड और ट्रांजेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड और ट्रांजेक्शन सबसे बुनियादी पहलू, व्यापार और लेन देन, व्यापार और लेन देन की प्रक्रिया ग्लोबलाइजेशन की सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। जब व्यापार होता है तभी तो आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया। सर जी मोमोज नहीं खाते हैं, पर छोटे बच्चे हो तब हम खाते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक। तो सबसे पहला क्या है, ट्रेड एंड ट्रांजैक्शन। सेकंड क्या है, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। आप लोगों के कमेंट पढ़ो ना, बहुत मजा आता है। कैपिटल मूवमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, माइग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल, माइग्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ पीपल एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज भी जो है हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में शेयर करते हैं। ये चार चीजें, ट्रेड, कैपिटल, पीपल एंड नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने दिया है, आईएमएफ। लिख लो, नोट्स बनाओ, याद करना सीखो यहीं पे, चार चीजें ऐसे करके लिख लो फटाफट। सबसे पहला ट्रेड,
दूसरा कैपिटल फंडिंग करती ना एक कंट्री दूसरी कंट्री को, वही। तीसरा पीपल, और मित्रों भाइयों बहनों चौथा क्या है? चौथा है नॉलेज। ये जो नॉलेज आज आप देख रहे हैं, जिसका प्रसार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, ये ग्लोबलाइजेशन के कारण आया है। ठीक है, तो सबसे पहला व्यापार, दूसरा पूंजी और निवेश, तीसरा लोगों का प्रवास, और चौथा ज्ञान। तो सबसे पहला है व्यापार, दूसरा है पूंजी, और तीसरा है लोग, और चौथा है हमारा ज्ञान। भारत अपने ज्ञान और प्रसार का, भारत अपने ज्ञान का प्रसार विश्व के दूसरे देशों में कर रहा है। आज हमारा योगा अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क पहुंच चुका है, मगर उनके भी बहुत सारे ज्ञान हम तक पहुंच रहे हैं। ये प्रक्रिया जो है, ये कोई ऐसी वैसी प्रक्रिया नहीं है, ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए ठीक, अब आइए ल्यूक मार्टल पे। ल्यूक मार्टल क्या कहता है, कैसे डिफाइन करता है ग्लोबलाइजेशन को, कैसे वैश्वीकरण को ये परिभाषित करता है। एक शब्द आपको मैं बताऊंगा, वो याद कर लीजिएगा, आप सही आंसर कर पाएंगे। ल्यूक मार्टल कहता है कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ये कहता है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पुअर कंट्रीज इनटू वर्ल्ड इकोनॉमी। गरीब देश बेचारे जब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ओपन कंपटीशन में उन्हें ढकेल दिया जाता है, झोंक दिया जाता है, या खुद से जब वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो उसे ही उसी प्रोसेस को ल्यूक मार्टल कहता है कि वैश्वीकरण है। बताइए, चलिए ल्यूक मार्टल का कहना है कि वैश्वीकरण खुली प्रतिस्पर्धा कि विश्व अर्थव्यवस्था में गरीब देशों का एकीकरण है। ओपन कंपटीशन में से जुड़ जाना, विश्व वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एक गरीब देश का भी जुड़ जाना ही ल्यूक मार्टल बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब शुरुआत ग्लोबलाइजेशन की जरूर ट्रेड से हुई है, जरूर कंपटीशन से हुई है, लेकिन बाद में उसमें कल्चर भी जो है वो जुड़ जाता है। तो एक ग्लोबलाइजेशन एक मिक्स्ड बैग बन जाता है, ल्यूक मार्टल कहते हैं, किस चीज का? इकोनॉमी के ट्रांसफर का, फिलंथ्रोपी के ट्रांसफर का, एंटरप्रेन्योरशिप के ट्रांसफर का, और कल्चरल एफर्ट्स के ट्रांसफर का। तो ये कहते हैं एक स्नोबॉल बन जाता है। स्नोबॉल आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छी तरह से, स्नोबॉल का प्रभाव मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। ल्यूक मार्टल कहते हैं कि जब ग्लोबलाइजेशन ट्रेड के साथ हम करते हैं तो उसका स्नोबॉल बन जाता है। स्नोबॉल जो होती है, जैसे आप कभी कहीं बर्फीले इलाके में गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा लोग बहुत बॉल फेंकते हैं, बॉल बना बना के ऐसे फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जब एक पहाड़ी से ये बॉल गिरती है तो ये बॉल जो है बड़ी होती जाती है, क्योंकि इसमें दूसरी जो स्नो है वो चिपकती जाती है। ठीक, इस प्रक्रिया को स्नोबॉल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक, स्नोबॉल बॉल प्रभाव कहा जाता है, समझ गए अच्छी तरह से, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है नहीं है। चलिए, तो ये कहते हैं कि ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है, इसमें इकोनॉमी भी जुड़ जाती है, इसमें लोग भी जुड़ जाते हैं, ठीक, और इसमें जो कल्चर है, संस्कृति है, वो भी जुड़ जाती है। ठीक, शुरुआत तो हुई थी ट्रेड से, शुरुआत तो हुई थी व्यापार व्यवसाय से, लेकिन इसमें हमारी संस्कृति और हमारे फूड का शेयरिंग वगैरह सारी चीजें हमारी जुड़ जाती हैं। ठीक, तो आर्थिक परोपकार, उद्यमशीलता और सांस्कृतिक प्रयास, ये सारे चीजें जुड़ करके एक स्नोबॉल प्रभाव तैयार हो जाता है।
ठीक है। चलिए, सपोर्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव दैट इट ब्रिंग्स क्लोजर द रीजन विच आर नेवर क्लोज बिफोर। ये दो क्षेत्रों को जो कभी करीब नहीं आए थे उनको करीब लाने का भी काम करता है। वैश्वीकरण के समर्थकों का मानना है कि उन क्षेत्रों को ये करीब लेकर आ जाता है एक दूसरे के जो पहले कभी करीब नहीं थे। सोशियोलॉजिस्ट मार्टिन एल्ब्रो और एलिजाबेथ किंग क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में? वेरी इंपॉर्टेंट, मार्टिन एल्ब्रो और एलिजाबेथ किंग। ये कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज ऑल दोज प्रोसेस बाय विच पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में यहां से सवाल आएगा और आपको छोड़कर बाकी सारे लोग भौचक्के रह जाएंगे कि कहां से पूछा है। सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी ग्लोबलाइजेशन को किसने कहा है? बताइए बताइए, एक विश्व समाज। और ये हिंदू समाज हजारों सालों से कहता आ रहा है। क्या वसुंधरे कुटुंबकम, वसुंधर पूरा वसुंधरा जो है वो एक कुटुंब के समान है, यानी विश्व का पूरा एक ही समाज है। सिंगल वर्ल्ड सोसाइटी मार्टिन एल्ब्रो और एलिजाबेथ किंग ने दिया है, याद रखिएगा। वो वैश्वीकरण को उन सभी प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं जिनके द्वारा दुनिया के लोग एक विश्व समाज में शामिल हो जाते हैं। एक विश्व समाज का निर्माण ही वैश्वीकरण है। एक विश्व समाज एल्ब्रो और किंग कहते हैं। कि वैश्वीकरण क्या कर देता है? एक विश्व समाज का निर्माण कर देता है वैश्वीकरण। आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स, तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन सिक्के का एक पहलू नहीं होता है, कभी दूसरा भी पहलू होता है। बेनिफिट तो ये है कि भैया चलो उसने जोड़ने का काम किया। आप आज आपकी जो इकोनॉमी है बढ़ रही है, आप बोल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन कर देंगे, 5 ट्रिलियन कर देंगे, तो ये केवल इंडिया के अंदर रहते तो नहीं हो पाता। जब आप दूसरे विश्व के दूसरे देशों के साथ जुड़े तब आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो रही है, तब आप इतना बड़े लेवल पे रोजगार पैदा कर पा रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव था, ये तो सकारात्मक पहलू था ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी होते हैं। और सबसे बड़ा नकारात्मक पहलू वो है कि ये समाज को इनइक्वल बनाने का काम करता है, समाज में असमानता लाना जो है। कुछ देश पीछे रह जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए, जिनके पास पैसा नहीं होता है उसलिए, क्योंकि जब आप समझ लीजिए कि एक लंगड़ा घोड़ा है और एक बिल्कुल स्वस्थ घोड़ा है, अगर आप दोनों को दौड़ा दोगे तो फिर तो यार जीतेगा तो स्वस्थ घोड़ा ही, और लंगड़ा घोड़ा जो है वो तो और पीछे रह जाएगा कंपटीशन की रेस में। तो ऐसी कंट्रीज जहां पे उस लेवल का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था कि वो बाकी के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे फाइट कर सकें, आपने उनको भी उस रेस में शामिल कर लिया तो फिर वो बेचारे पिछड़े रह गए, एक असमानता क्रिएट हो गई। और इसी असमानता से दो थ्योरी ने जन्म लिया, वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी, दो थ्योरी ने जन्म लिया जिसको अपन कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी यानी निर्भरता का सिद्धांत। याद है आप लोगों को कि सब भूल गए हो, ये मैंने पढ़ाया है। इसी इनइक्वालिटी से जन्म होता है। और दूसरी थ्योरी थी वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस, याद है कि भूल गए?
विश्व व्यवस्था विश्लेषण। याद है? बिल्कुल सही, राहुल परवेश, एंड्रे गुंटर फ्रैंक, वो जुड़े हुए हैं डिपेंडेंसी थ्योरी से। और बारन, डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस से इमैनुअल वॉलेस्टीन जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अकॉर्डिंग टू हांस रॉसलिंग, हांस रॉसलिंग एक कदम और आगे जाते हैं। हांस रॉसलिंग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ने वेस्ट और रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है। एक तरफ वेस्टर्न सोसाइटी जिनको फायदा ही फायदा, और दूसरी तरफ दूसरी दुनिया, अदर वर्ल्ड, जिसका नुकसान ही नुकसान। हांस रॉसलिंग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज ऑफन अक्यूज्ड ऑफ क्रिएटिंग वेस्ट एंड रेस्ट। हांस रॉसलिंग के अनुसार पश्चिम और शेष का गठन का भी आरोप लगाया जाता है वैश्वीकरण के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज का अगर कोई सकारात्मक पहलू है तो उसका नकारात्मक पहलू भी होता है। ठीक है, समझ गए? कुसुम कह रही है कि कोई बताएगा कि सर से कैसे कांटेक्ट करें। तो भैया, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नोट कर लीजिए, ठीक। तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, उस पर कॉल मत कीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7838517884। इस नंबर पे ना आप मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। या टेलीग्राम पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हांस रॉसलिंग कहता है कि जिस तरह से हम बेनिफिट्स को देखते हैं, हमें नेगेटिव चीजें भी देखनी चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड द लिमिटेशन एंड इट्स वर्क। ठीक, तो वैश्वीकरण को समझने के लिए हमें सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक, सीमाओं का भी अध्ययन करना चाहिए और उसके उससे जो लाभ मिले हैं उसका भी अध्ययन करना चाहिए। अब आते हैं रोनाल्ड रॉबर्टसन, 1992 में ये इन्होंने भी डिफाइन किया है ग्लोबलाइजेशन को। और रोनाल्ड रॉबर्टसन के लिए मैं सिर्फ एक शब्द आपको बताऊंगा, ये कहते हैं कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड जो है वो कंप्रेस हो गया, छोटा हो गया आज की डेट में। कुछ लोग बड़े ही गर्व से बोलते हैं कि धरती गोल है, मुलाकात आपसे फिर होगी कभी ना कभी, और हम इसका जवाब देंगे आपको। धरती गोल है, दुनिया छोटी हो गई। किसी समय ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज किया था, आज की डेट में उसी ब्रिटिश का जो पीएम है वो हमारा भारत का है। ठीक है, समझ गए? तो 1992 में रोनाल्ड रॉबर्टसन ने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया है। ये कहते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, रोनाल्ड रॉबर्टसन कहते हैं दुनिया का संपीड़न हो गया, संपीड़न। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि संपीड़न वर्ड जो है वो एंथोनी गिडेन भी यूज करते हैं। ठीक, वो कहते हैं समय और स्थान का संपीड़न हो गया। टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन गिडेन यूज करता है। ठीक, चलिए, द कंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ द कॉन्सियसनेस ऑफ द वर्ल्ड एज अ होल
इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन, रोनाल्ड रॉबर्टसन ने कहा है। ठीक, एक बार गिडेंस का देख लीजिएगा, ये ना शायद संपीडन नहीं है, कंप्रेशन नहीं है, ये मेरे ख्याल से डिस्टेंसिएशन है, डिस्टेंसिएशन है शायद। मुझे अभी अभी आएगा शायद, इसमें डिस्टेंसिएशन है। ठीक है, विभेदी समय और स्थान अलग अलग हो गए हैं। हाँ, डिस्टेंसिएशन है शायद, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या यूज किया है, कंप्रेशन वर्ड यूज किया है। रोनाल्ड रॉबर्टसन कहते हैं वैश्वीकरण क्या है, दुनिया का संपीड़न, और समग्र रूप से दुनिया की चेतना की तीव्रता के रूप में, समग्र रूप से दुनिया की चेतना। ठीक, समझ गए, कंप्रेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्सियसनेस, इंटेंसिफिकेशन ऑफ कॉन्सियसनेस वेरी इंपॉर्टेंट है, चेतना की तीव्रता और संपीड़न, ये दो शब्द याद रखिएगा। रोनाल्ड रॉबर्टसन, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में सवाल आ सकता है, संभावना है पूरी पूरी। चलिए, गिडेंस व्यू ओवर ग्लोबलाइजेशन, गिडेंस क्या सोचता है। हां, डिस्टेंसिएशन यूज किया था, देखो, ठीक, डिस्टेंसिएशन, समय स्थान दूरी, वही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा। ठीक है, समय स्थान दूरी मतलब क्या है इसका, कि आज की डेट में जैसे आप आज से 20 साल पहले चले जाइए, तो आप लोगों को क्या करना होता था, यूजीसी नेट की क्लास करने के लिए आपको जगह जगह जाकर ढूंढना पड़ता था कि भैया कोई यूजीसी नेट के टीचर है, कोई पढ़ाता है यूजीसी नेट, और मिलता नहीं था। आज की डेट में यूजीसी नेट की क्लासेस मनोज सर के रूप में आपके घर पे आ रही है, और बेस्ट बेस्ट चीज आपके घर पे मिल रही है आपको। ठीक, इट इज एग्जैक्टली इन रिलेशन विथ स्पेशियो टेम्पोरल चेंजेस दैट गिडेंस व्यू एज ग्लोबलाइजेशन। ही डिफाइंड ग्लोबलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे, ये कहता है कि स्थान और समय का परिवर्तन हो गया, समझ गए, लौकिक मतलब इधर पे वर्ल्ड नहीं है, इधर पे समय कर दीजिएगा, स्थानिक और सामयिक परिवर्तन, सामयिक परिवर्तन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं गिडिन, गिडिन कहता है कि वही ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज बेस्ट अंडरस्टूड एज द एक्सप्रेसिंग फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। वैश्वीकरण की अवधारणा को हम मूलभूत रूप से व्यक्त कर सकते हैं समय स्थान की दूरी के हिसाब से, समय स्थान से दूर हो गया। आज की जो समय आपको पहले लगता था किसी स्थान पर जाने के लिए, अगर मान लीजिए आज ऑनलाइन इतना डेवलप नहीं हुआ होता, ऑनलाइन सिस्टम इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, तो आप क्या कर रहे होते, आपको मनोज सर जहां पढ़ाते क्लास में वहां आना पड़ता। लेकिन क्या आज की डेट में भी आपको वहां आना पड़ रहा है जहां मनोज सर पढ़ा रहे हैं, नहीं। यानी पहले आप क्या करते कि आधे घंटे एक घंटे आप थोड़ा ले करके निकलते कि यार आधा घंटा एक घंटा लगेगा सर की क्लास में जाने में, लेकिन आज की डेट में समय और स्थान दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, बिल्कुल भी कोई समय ही नहीं लगता आपको आज मेरी क्लास अटेंड करने में। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ प्रेजेंस, इंटरसेक्शन ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इंटरलेसिंग ऑफ सोशल इवेंट, सोशल रिलेशन एट अ डिस्टेंस। जो डिस्टेंस था सामाजिक संबंध के बीच में, वो खत्म हो जाना, ठीक, और उसका इंटरसेक्शन, समझ गया। तो क्या वैश्वीकरण उपस्थिति और अनुपस्थिति के प्रति छेदन की दूरी पर सामाजिक घटनाओं और सामाजिक संबंधों के अंतर संबंध से संबंधित है, उपस्थिति और अनुपस्थिति का प्रतिच्छेदन हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट इंटेंसिफिकेशन शब्द यूज करते हैं,
इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों की गहनता, ठीक है, टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन और सामाजिक संबंधों की गहनता, इस टर्म में इन्होंने जो है इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं वापस यहां पर लाया हूं, ल्यूक मार्टल इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक, ल्यूक मार्टल जो है वो क्या कहते हैं, एकीकरण कहते हैं, एकीकरण। और एंथोनी गिडेन, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं गिडेन में और ल्यूक मार्टल में, गिडेन जो है वो इसे इंटेंसिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड, विश्व का जो संबंध है, सामाजिक संबंधों की गहनता, वैश्वीकरण, विश्वव्यापी सामाजिक संबंध, संबंधों की गहनता को ये वैश्वीकरण कहते हैं। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, समय स्थान दूरी और इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस, इन दोनों चीजों को इन्होंने क्या कहा है, वैश्वीकरण कहा है। जॉर्ज रिट्जर क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉर्ज रिट्जर कहता है ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू ग्रोथ इंपेरेटिव्स पुशिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेशन टू एक्सपेंड ग्लोबली टू इंपोज देम ऑन लोकल, लोकल चीजों पे ग्लोबल चीजों को इंपोज करना रिट्जर कहता है ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन इसको दूसरा नाम देते हैं, ये ग्लोकलाइजेशन, ये ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकलाइजेशन। इज इक्वल्स टू ग्लोकलाइजेशन। बात समझ में आ गई। अब देखिए आप, आज की डेट में जीन्स जो है गांव के लोग तक पहनने लगे, छोटे छोटे गांव के लोग जीन्स पहनने लगे, यानी जीन्स क्या था, वैश्विक परिधान है, वो कहां पहुंच गया, स्थान पे पहुंच गया, उसका लोकलाइजेशन हो गया। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं रिट्जर के टर्म में, ग्लोकलाइजेशन। 2023 में पूछेगा 100%, ये मैं 100% आपको बता रहा हूं, इस बार पूछेगा 100%, आप लिख के रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक। जिस जिस क्वेश्चन को मैंने आज तक कहा है, एनटीए यूजीसी नेट मेरी बात सुन लेता है और उस पे सवाल बना देता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इट इज द मिक्सिंग ऑफ ग्लोबल विद द लोकल, लोकल चीजें का वैश्वीकरण हो जाना और वैश्वीकरण का लोकल हो जाना, दोनों हाथ मिला लेते हैं, दोनों की शादी हो जाती है, ठीक। यानी लोकल लड़की की शादी ग्लोबल लड़के के साथ हो जाए, या ग्लोबल लड़की की शादी लोकल लड़के के साथ हो जाए, ठीक है। आज की डेट में एसटीडी और लोकल कुछ रह ही नहीं गया, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। पुराने जमाने में, आज से आप 20 साल पहले फोन यूज कर रहे होते तो एसटीडी के अलग पैसे लगते थे और लोकल के अलग पैसे लगते थे, एसटीडी के 5 रुपया, लोकल के 2 रुपया। आज की रेट में क्या हुआ कि सबका 1 ही रुपया। बात समझ में आ गई। बिल्कुल सही। अनुलोम और प्रतिलोम दोनों एक हो गया आज की डेट में, उसी को रिट्जर क्या कहता है, ग्लोकलाइजेशन कहता है। रिट्जर के अनुसार वैश्वीकरण का तात्पर्य संगठनों और राष्ट्रों के को विश्व स्तर पर विस्तार करना और खुद को स्थानीय लोगों पर थोपने के लिए विकास अनिवार्यता कहा गया है वैश्वीकरण।
उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ग्लोकलाइजेशन। ग्लोकलाइजेशन क्या है भैया? स्थानीय के साथ वे वैश्विक के मिश्रण के रूप में परिभाषित ये करते हैं। ठीक है, समझ गए अच्छी तरह से? बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया चीजें, वेरी गुड। अब आते हैं मार्शल मैकलुहान। मार्शल मैकलुहान जो है वो कैनेडियन थिंकर हैं। 1960s में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वैश्विक गांव का। अभी ग्लोबल सिटी भी बताऊंगा मैं, याद रखना वैश्विक गांव 1960 में। इन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन के कारण विश्व एक गांव की तरह बनता जा रहा है। द टर्म ग्लोबल विलेज मीन्स ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बींग ब्रॉट टूगेदर बाय इंटरनेट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंटरकनेक्शन। पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया है। मार्शल मैकलुहान कैनेडाई विचारक थे। उन्होंने 1960 में ग्लोबल विलेज शब्द गढ़ा था, यानी वैश्विक गांव, जिसका अर्थ होता है दुनिया के सभी हिस्से जो हैं वो एक हो गए हैं इंटरनेट के द्वारा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के द्वारा एक साथ आ गए हैं, एक गांव के समान हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्लोबल सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है लिख कर बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। सस्किया ससेन, ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी में लोग सिस्कियां ले लेके रोते हैं, कोई देखने वाला होता नहीं है। लोग क्या कहते हैं, तुझसे बिछड़ कर जिंदा है यार बहुत शर्मिंदा है। ठीक, तुमसे बिछड़ कर जिंदा है यार बहुत शर्मिंदा है। तो ये याद कराने के लिए बोल रहा हूं मैं यार, ग्लोबल सिटी में लोग अकेले में सिस्कियां लेते हैं। तो ग्लोबल सिटी किसने दिया है? सिस्किया ससेन ने दिया है। ठीक सर, यहां पर एनटीए वाली फैकल्टी देख रही है आपकी वीडियो। लोग बहुत ओपन हो रहे हैं। ठीक, इन हर वर्क द ग्लोबल सिटी, इनकी किताब का नाम भी ग्लोबल सिटी है। ग्लोबल सिटी, न्यूयॉर्क लंदन टोक्यो, न्यूयॉर्क लंदन टोक्यो 1991 में, यही तीन ग्लोबल सिटीज थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाइपर ग्लोबलाइजेशन। हाइपर ग्लोबलाइजेशन यानी अति वैश्वीकरण इज अ ड्रामेटिक चेंज इन साइज स्कोप एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बहुत तेजी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा, बिना सोचे समझे ग्लोबलाइजेशन हो जाना। ठीक है, तो नाटकीय परिवर्तन है किस चीज में? आकार में, वैश्वीकरण के, वैश्वीकरण के दायरे में, वैश्वीकरण के वेग में, जो कब शुरू हुआ? 1990 की दशक में और 21वीं सदी में। 21वीं सदी में ये बढ़कर के बहुत तेज हो गया। उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइपर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहली बार हाइपर ग्लोबलाइजेशन शब्द किसने इस्तेमाल किया है? इस दुनिया के अंदर सबसे पहली बार ऐसा माना जाता है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन शब्द डैनी रॉड्रिक ने इस्तेमाल किया था 2011 में। ठीक है, और इन्होंने लिखा था किताब द ग्लोबलाइज्ड ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स। द ग्लोबलाइजेशन पैराडॉक्स में डैनी रॉड्रिक ने हाइपर ग्लोबलाइजेशन टर्म जो है पहली बार यूज किया है। यह याद रखना कि इन्होंने यूज किया है, ठीक है, अपनी किताब में हाइपर ग्लोबलाइजेशन। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। मगर एक बात याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, ठीक, तो उनके लिए खास तौर से खुशखबरी है
कि जो आजादी का जश्न केवल 15 अगस्त तक होना था उसे एक दिन और बढ़ा दिया गया है, और आप मनोज कोड यूज करके एक दिन और है आपके पास कि 6314 में आप परचेज कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं, आप क्लास को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर पे क्लिक कीजिए। देखिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है आपको, जहां पे जेआरएफ फाउंडेशन दिसंबर 2023 सोशलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी दिया है, मोर पे क्लिक करिए, दो बार मोर पे क्लिक करिए, वहां पर लिंक मिल जाएगा, एनरोलमेंट पे चले जाइए, कोड वहां पे साइड में रहता है उसमें कोड भर दीजिए मनोज, और आपको जो है एनरोलमेंट मिल जाएगा 6314 रुपीज में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तुमसे